मैं आरकेएस मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु की आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मनु के सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है उनकी आश्रम व्यवस्था का। और उनकी आश्रम व्यवस्था जो थी, उन्होंने संपूर्ण मानव जीवन काल को 100 वर्षों का मान के और उनको 4 कालों में विभाजित किया है। 25-25 साल के 4 कालों में विभाजित किया है और उन्हीं कालों को जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में उनको बांटा है। तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि भाई व्यक्ति को जो है ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के लिए उन्होंने कहा है कि उपनयन संस्कार के बाद में बालक को जो है गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। उसको एक तरह से गुरु को सौंप देना चाहिए और गुरु के सानिध्य में रहकर वो अपने विद्या का अर्जन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, वेदों के अध्ययन के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान करता है। और उस काल में उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। और उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मचारी के लिए अपने जीवन में जो है गुरु का स्थान सर्वोच्च है। और इस काल में उन्होंने ये कहा है कि उसकी शिक्षा दीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि उसे किसी प्रकार का जो है हलश, परनिंदा, झूठ, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ आदि के दोष उसमें न आए बालक में। और उसे अपने आप को विनयशील, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और कर्तव्यपरायण आदि गुणों का अपने आप में विकास करना है। इस काल में जो है बालक को सभी धार्मिक कर्मकांडों से भी उसको परिचित करवाया जाता है, जैसे कि देव उपासना है, पितृतर्पण है, यज्ञ करना है, इस तरह के जो है धार्मिक कार्यों से भी उसका परिचय करवाया जाता है। इसके बाद में 26वें साल से जो गृहस्थ आश्रम शुरू होता है उसके बारे में मनु का ये मानना है कि गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, क्योंकि अन्य आश्रमों की उत्पत्ति इसी से होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के बाद में उच्च कुल की सुयोग्य और श्रेष्ठ कन्या से जो है पुरुष का विवाह करके उसे जो है गृहस्थ आश्रम शुरू करना चाहिए और अपने वंश की वृद्धि करने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करनी चाहिए और परिवार का जीवन सही ढंग से चले, बिना कष्ट उठाए जो है परिवार अपना जीवन यापन करे। इसलिए उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अर्थोपार्जन करे। और अर्थोपार्जन के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि अर्थोपार्जन के लिए कोई गलत कार्य नहीं करे, मतलब गलत तरीके से जो है अर्थ का उपार्जन नहीं करे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि गृहस्थ के लिए यह अति आवश्यक है कि स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति उसके सम्मान को, उसको उसकी जो है एक तरह से कीर्ति को नाश करने वाली है। इसलिए अत्यधिक आसक्ति जो है स्त्रियों के प्रति नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद में उनका आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बारे में उन्होंने कहा है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर व्यक्ति को जो है अपना घर, अपनी संपत्ति, इनका त्याग करके पत्नी के साथ में अथवा अकेले उसको वन गमन करना चाहिए। इस काल में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए और उसे किसी प्रकार का मान अपमान, सुख दुख आदि के प्रति जो है एक तरह से
विरक्ति का भाव अपनाना चाहिए और सभी के प्रति जो है मित्रवत व्यवहार करते हुए, दया का भाव रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद अगला जो 25 साल का टाइम आता है, यानी कि 76 साल से लेके 100 साल तक, उसका उन्होंने कहा है कि इसमें जो है संन्यास आश्रम के बारे में उन्होंने, मनु ने व्यक्ति को निर्देशित किया है कि इस काल को उन्होंने संन्यास आश्रम का नाम दिया। और उसने कहा है कि इस आश्रम से में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति को पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। और पुत्र प्राप्ति के बाद में और वेदों के अध्ययन के बाद में जो है संन्यास आश्रम में इसमें प्रवेश लेना चाहिए। इस आश्रम के बारे में मनु ने कहा है कि वेदों का जो है अच्छी तरह से अध्ययन करके और पुत्र प्राप्ति के बाद में यदि संन्यास आश्रम में आप प्रवेश करते हैं तो इस संन्यास आश्रम के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, वेदों के अनुसार आचरण करना, कठोर तपस्या करना, ये जो है सन्यासी के प्रमुख कार्य हैं। अपने पारिवारिक जन, सांसारिक सुख एवं अपने खुद के शरीर के प्रति भी जो मोह है उसको त्याग देना चाहिए। किसी प्रकार का राग द्वेष और जीव हत्या से अलग रहकर जो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए मनुष्य को अपना यह जीवन जीना चाहिए और किसी भी प्राणी मात्र के प्रति किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए, ना किसी के प्रति कोई कटु वचनों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। सन्यासी को उन्होंने कहा कि सन्यासी को सिर्फ अकेले ही वन में रहना चाहिए, उसे किसी प्रकार की कोई संपत्ति वगैरह ये अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार जो है मनु ने अपनी ये सामाजिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया है। और मनु ने ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करे तो निश्चित रूप से वो दीर्घायु होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।